दिल्ली में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक आज होने जा रही है। तो बैठक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के परासरन के घर पर होगी। इस दौरान राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बैठक में मंदिर निर्माण की तारीखों को लेकर भी चर्चा होगी। इस दौरान महंत नृत्य गोपाल दास को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, क्योंकि इसको लेकर लगातार जो मांग है वो संत समाज की तरफ से आ रही थी। बैठक जब होगी तो उस बैठक में क्या कुछ होगा, कब से राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, कब भूमि का शिलान्यास होगा, मंदिर का नक्शा किस तरह का होगा, हर कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन के बाद केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की है, जिसके जो 15 सदस्यीय कमेटी है उसके के परासरन जो वरिष्ठ वकील है उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है और उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। और अब इस बैठक में पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा। कैमरामैन विवेक के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित दुबे भी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, राम मंदिर निर्माण की तारीखों पर आज हो सकता है फैसला, ट्रस्ट की पहली अहम बैठक आज। जी बिल्कुल, देखिए कई सारे डिसीजन होने हैं। शाम को जब ये बैठक शुरू होगी तो न सिर्फ राम मंदिर कब से निर्माण होगा उसकी तारीख, बल्कि उसका नक्शा क्या होगा, उसमें कौन कौन सी चीजें और जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज की ट्रस्ट में, क्योंकि 15 सदस्यीय ट्रस्ट है, इसके साथ में किन दो और लोगों के शामिल होने पे विचार हो रहा है, तो क्या कानूनी मान्यता इन्हें मिलेगी, कानूनी पहलुओं पे भी विचार होगा, क्योंकि महंत नृत्य गोपाल दास और चंपत राय दो नाम ऐसे आगे चल रहे हैं जिन्हें ट्रस्ट से जोड़ा जा सकता है, तो इसे लेके भी यहाँ पे बैठक होनी है। और दूसरा कि जिस तरह से चरणबद्ध जो है मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो पुराना नक्शा मंदिर का है उसे रखते हुए उसी को आगे बढ़ाने की योजना है, और ऐसे में पूरी जमीन में, क्योंकि अगर हम भूमि की बात करें, जगह की बात करें, तो उसे समतल कराने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और बाकी चीजें एक एक करके यहाँ स्टेब्लिश होंगी। माना यह भी जा रहा है कि नवरात्रि के आसपास जो है वो भूमि पूजन हो सकता है, लेकिन जहां तक मंदिर निर्माण की बात है उसमें अभी समय लगेगा। बिल्कुल, अगर आज की बैठक यहाँ पर नजर डालें, क्योंकि सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं, आज की बैठक पहली बैठक है और ऐसे में मुख्य एजेंडा यहाँ पर आज क्या रहने वाला है, कितने बजे बैठक होगी और क्या ट्रस्ट के सभी सदस्य दिल्ली पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए? देखिए लगभग सभी सदस्य जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। शाम को 5 बजे बैठक होनी है, हालांकि इससे पहले 10 और 10:30 का टाइम सामने आ रहा था, लेकिन चूंकि जो अध्यक्ष है ट्रस्ट के परासर उनका सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ, जिसकी वजह से इस बैठक को शाम 5 बजे कल ही बता दिया गया था कि शाम को आज शाम 5 बजे जो है ये बैठक होनी है। और चूंकि इस बैठक उनके घर पे होनी है, तो सभी सदस्य पहले तो इस बात पे विचार होगा कि जो दो अन्य नए सदस्यों को जोड़ने की बात हो रही है, क्या इन्हें कानूनी मान्यता मिलेगी, क्या इन्हें जोड़ा जा सकता है। दूसरा कि सबसे मंदिर का आखिर शिलान्यास कब होगा, यानी जो भूमि पूजन की बात आ रही वो कब होगा। तीसरा कि रामलला जहां पे विराजमान है, जब जमीन को समतल किया जाएगा तो रामलला को कहाँ रखा जाएगा, क्या जो पुरानी सुरक्षा व्यवस्था है वो मुहैया रहेगी या उसके अलावा कुछ नई चीजें आएंगी। चलिए अमित, फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिए आप बैठक को लेकर। तो 5 बजे ये बैठक होनी है और इस बैठक में राम मंदिर के निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं मास्टर प्लान यहाँ पर बनाया जाएगा। तो साथ ही महंत नृत्य गोपाल दास को भी आज इस बैठक में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है।